ओके सो थोड़ा सा अपना तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ कि मेरा नाम रामेश राणा है. आई एम फ्रॉम द 47th कॉमन. मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से हूँ. राइट नाउ दीज डेज आई एम वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट डिविजन. सो थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि वेन एवर समबडी कम्स इन टू द सिविल सर्विस वी कम फ्रॉम अ वेरीड बैकग्राउंड. कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टन क्लास या सेट ऑफ पीपल आर फाउंड मोर इन द सर्विस. ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है. और इट्स अ स्ट्रोक ऑफ लक प्लस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई एम नॉट गोइंग टू से कि लक के बगैर कुछ भी होता. तो मेहनत आपकी रिक्वायर्ड है नेचुरली, लेकिन उसको सपोर्ट जो है ना आपकी लक जरूर करती है. इसलिए ये मत काइंडली इसको गेज मत बनाएगा इसको कोई. दिस इज नॉट अ बारोमीटर फॉर योर सक्सेस, फॉर योर कैपेसिटी, फॉर योर केपेबिलिटी. इट इज नॉट, लेट मी बी वेरी क्लियर क्लियर अबाउट दैट. इट्स जस्ट एन एग्जाम फॉर अ जॉब. अब ये जरूर आई एम श्योर कई लोगों के दिमाग में होगा खुद तो ये है तो इसको तो ये लगेगा, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं. अगर आप इसी वक्त ये स्टेज पे ये माइंडसेट बना लेंगे ना कि इट इज एन एग्जाम फॉर अ जॉब, इट शुड नॉट डिफाइन मी एज अ पर्सन एंड इट इज डेफिनेटली नॉट लाइक आई सेड अ बारोमीटर फॉर माई सक्सेस और फॉर माई कैपेसिटी और केपेबिलिटी, ट्रस्ट मी दिस एंटायर प्रोसेस वुड बी मच मच इजियर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. अपने लिए आसानी पैदा करें, इस इम्तिहान को हवा मत बनाए, एक अजाब मत बनाए अपने लिए. बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर में आके एक इम्तिहान ही. तो अगर इसी नजरिए से देखेंगे तो आसानी, हर चीज आसान है. तो जैसे कि आपके सिलेबस की जो डिवीजन है इसमें एक जो 20 मार्क्स का आपका पोर्शन है वो आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है. हाउएवर ये भी हो चुका है कि डोमेस्टिक अफेयर्स को ही सोर्स बना के पेपर पूरा भी उसके ऊपर आ चुका है. हालांकि 20 मार्क्स का ही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो डोमेस्टिक इश्यूज को सेंटर बना के आपसे पाकिस्तान की पॉलिसी इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं. अगर किसी का बहुत ही मूड खराब हो पेपर सेटर का तो वो ये हरकत भी कर सकता है. तो जो जनरल एक रूल ऑफ थंब है कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ना एक मैथमेटिकल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर कि वो कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. आपके ये तो सबको पता है जिस तरह से आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं आप सबने अभी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी स्टेज पे ऐसे. देर ऑलवेज अ थीसिस स्टेटमेंट, देर इज ऑलवेज एन इंट्रोडक्टरी पोर्शन, देर इज अ मिडिल पार्ट जिसमें आपकी सारी आर्ग्यूमेंट है और एक फाइनली एंड पार्ट जिसमें आप अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स या कोई रिकमेंडेशन देते हैं. ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे क्या कहते हैं अपना ऐसे लिखा जाता है. नाउ हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू एवरी अदर एग्जामिनेशन. एक जो की पॉइंट है वो आप सबने ये याद रखना है कि चाहे जो मर्जी टॉपिक आ जाए आपके पास, आपने जो है ना अपना कोई भी जो कहते हैं ना बाइसेस या अपने कुछ जाती कलर्ड ओपिनियन को आपने एग्जाम पेपर में हरगिज नहीं लिखना. इवन व्हेन देयर आस्किंग फॉर योर रिकमेंडेशंस यू कैन नॉट एंड शुड नॉट इवन रिमोटली अटेम्प्ट टू गिव अ रिकमेंडेशन जिसको कोई थियोरेटिकल बैकिंग नहीं है. थियोरेटिकल बैकिंग से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन जिसके पीछे कोई डेटा या रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं करी और आपका जाती ओपिनियन या ख्याल है उसको आपने नहीं लिखा. ठीक है जी. फिर पाकिस्तान के अब एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें हमारे जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप है, उनकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग क्या है इस वक्त, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इशू क्या चल रहा है कोई बता सकता है मुझे, हमारे नेबर्स के अफगानिस्तान साथ. जी अफगानिस्तान एग्जैक्टली एग्जैक्टली अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज बिकमिंग अ बेड ऑफ रॉक्स व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी इन द रीजन. ये सबको पता है कि 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन जो है जो इंडिकेटर्स हैं और जो जनरल अजम्पशन है वो यही है कि द तालिबान वुड बी बैक इन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है जी. अब ये एक फोकस पॉइंट है और इसके हवाले से क्वेश्चंस आपको आएंगे. दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है इसे अगले पार्ट के अंदर, विच इज अ ग्लोबल इशू, विच इज द जनरल मिडिल ईस्ट क्राइसिस. ठीक है जी. अभी दूसरा उसमें कौन सा हमारे पास एक इमीडिएट इशू आ रहा है, कहाँ पे जाके एक जी. ग्लोबल वार्मिंग ओके आई मेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर रही थी, पर ग्लोबल वार्मिंग यस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और उसके अंदर अभी रिसेंटली यूएन ने
जो है एक रिपोर्ट अपनी जो है उसमें एरर और ओमिशन को एक्सेप्ट किया है, विच इज अ ह्यूज थिंग, कि जी हमसे बहुत बड़ा ओमिशन हो गया है कि हमने आपको अंडर रिपोर्ट कर दिया है कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको। अब वो मैं रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने क्या इसमें माना है और क्यों ये इतनी डेंजरस बात है, उसको टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। फिर कुछ टॉपिक्स इसमें अब ऐसे हैं कि थोड़ा से उनकी डिस्कशन जो है सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट हो गई है, उसमें मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स टॉप है, या जिसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स है SDGs जो है ये थोड़े से रिडंडेंट हो गए काफी कुछ सालों पहले से। ये जो है ना पेपर में नोटिस किया कि 2-3 साल से इसके अराउंड क्वेश्चंस रेयरली ही फॉर्मुलेट हो, तो इसको हम मिनिमल कवर करेंगे। फिर जहां तक रही बात आपकी जो सबसे इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट जो है जो कि हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है वो है आपका कोरोना वायरस, हाउ दैट हैज ऑल्टर्ड द वेरी फैब्रिक ऑफ डिवेलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे और सोसाइटी एज अ होल कैसे बिल्कुल डी ट्रैक हो गई फ्रॉम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिस उसने पकड़ी हुई थी इन द 21st सेंचुरी। बिल्कुल एक हम देख रहे थे कि 2019 में देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एन एक्सप्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, एक सेंट्रलिज्म की तरफ जा रही थी दुनिया, एक अवेयरनेस आ रही थी पूरी अक्रॉस द ग्लोब जो है मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हो रहे थे, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो रही थी, कई रीजन जो है वो सूडो रिलीजियम की तरफ ज्यादा जा रहे थे, सब कुछ जैसे मिड एयर सस्पेंड हो गया एंड एवरीथिंग इज नाउ सेंटर्ड अराउंड अ डायलॉग ऑफ अ पेंडेमिक। एक बीमारी ने हर एस्पेक्ट को हाईजैक कर लिया लाइफस्टाइल के आपके, चाहे वो पॉलिटिकल था, चाहे वो सोशल था, चाहे वो इंटरनेशनल था, एवरीथिंग हैज बीन हाईजैक इफेक्टिवली बाय द कोरोना वायरस। और उसके वेक में जो एक एक्सप्लोजन हुई है वो क्या है, विच इज डिजिटल मीडिया और उसके प्रोडक्ट्स की और पूरी मार्केट जो है वो इट हैज एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ। और इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट जिस तरह आया करंट अफेयर्स में वो हम देखेंगे भाई सोसाइटी का फैब्रिक कैसे डैमेज हुआ है लॉकडाउन से, और जो डे टू डे अपना फिर उसमें पेट्रोल की जो प्राइस क्रैश हुई और एक आपकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुई पिछले साल, ये दीज ऑल प्ले अ रोल कि कैसे आपका एक पेंडेमिक ने जो पावर गेम है और जो पॉलिटिकल सिनारियो वो ऑलमोस्ट बदल के रख दिया है इन अ फ्यू मंथ्स। इस वक्त भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो इट इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस योर ओन कंट्री एंड योर नेबरिंग कंट्रीज, और जिसकी वजह से हर चीज ने एक सॉर्ट ऑफ बैक सीट ले, हर जो इशू किसी जमाने में करंट हो रहा था, जमाना कहना पड़ता है, इट फील्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर द पेंडेमिक के इरास डिवाइड हो गए, तो जो प्रायोरिटीज थी, कल्चर था, एक जनरल अजम्पशन थी, एवरीथिंग स्टैंड्स ऑल्टर्ड। स्टडीज ट्रेनिंग्स में हमारी जाति एग्जांपल आप लोगों को दे सकती हूँ, जैसे जो हमने जो लास्ट वी वर द लास्ट CTP टू डू एन एक्चुअल कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड इन द सिविल सर्विस अकेडमी, उसके बाद 48, 49 और शायद 50th भी किसी हद तक कुछ पोर्शन ऑनलाइन होगा या टोटो में करेंगे। सो यू सी हाउ एक सर्चन जो कल्चर चल रहा था वो चेंज होना शुरू हो गई है चीज, इट इज बिकमिंग डिफरेंट ऑल्टर्ड, और जाहिर है उससे फिर जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है रिलेशनशिप्स का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, आपकी इकोनॉमी का, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। इवन जो प्रोडक्ट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो फनल की जा रही है, आप नोटिस करेंगे कि पूरा जो मेडिकल सप्लाईज की जो इकोनॉमी है वो कितनी बूम कर गई इस दौर के अंदर, उसके एस्पेक्ट को भी हम कवर करें। जो एक स्टैंडर्ड आपका पेपर आता है उसमें करंट अफेयर्स के जो है ना हमेशा क्वेश्चंस होते हैं कि इवेंट बेस्ड भी होते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि जी फला इवेंट की वेक में एक और एस्पेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स के एग्जाम में हमेशा। सो मूविंग फॉरवर्ड सबसे बड़ी बात कि व्हाट इज इन फैक्ट करंट अफेयर्स, सो इसकी एक बेस डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है कि इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स, ह्यूमन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल इश्यूज दैट आर कवर्ड बाय मीडिया, एंड इफ यू रेफर टू करंट अफेयर्स यू आर रेफरिंग टू पोलिटिकल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी विच आर डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑन टेलीविजन एंड और रेडियो। अच्छा, अब करंट अफेयर्स को हम मीडिया के लेंस से क्यों देखते हैं,
हम इसलिए देखते हैं मीडिया के लेंस से बिकॉज दैट इज आर मेजर सोर्स ऑफ कंजम्पशन, यानी कि हमें सबसे ज्यादा फौरी और जो एक कहते हैं एक ओपिनियन या इंफॉर्मेशन का बेस हमारा क्या है, वो मीडिया है. तो इन अ वे इन दिस डे एंड एज मीडिया, न्यूज़पेपर, ओपिनियंस, आपके चैनल्स पे बैठे हुए तज्जियाकार, उनका जो भी ओपिनियन है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन का दर्जा अख्तियार कर चुकी है. एक होता है रिपोर्टिंग ऑफ नंबर्स एंड फैक्ट्स. नंबर्स डू नॉट लाई, हाउएवर कंटेंट एंड अजम्पशंस दे कैन बी बायस्ड और कलर्ड और विच एवर वे. जैसे देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि वन मैन्स फ्रीडम फाइटर कुड बी अनदर मैन्स टेररिस्ट, राइट? सो फॉर कश्मीर डायलॉग इन जनरल, वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है क्या कहती है, इंसर्जेंट्स. आपकी गवर्नमेंट उनको क्या कहती है, शोहदा, फ्रीडम फाइटर्स. जब तालिबान रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो मुजाहिदीन थे, जब वो अमरीका के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो टेररिस्ट थे, इंसर्जेंट्स थे, बलिग्रेंट्स थे. सो ये इट इज ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. करंट अफेयर्स को याद रखिएगा कि वो एक पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव है. बियॉन्ड नंबर्स एंड एक्चुअल इवेंट्स जो कि हो चुके हैं या जो फैक्चुअल रियलिटीज हैं, उनसे हटके एवरीथिंग इज फेयर गेम फॉर ओपिनियन. इसलिए करंट अफेयर्स के एग्जाम की जो सबसे कार्डिनल जो रूल होता है ना, वो ये है कि जी आपने अपना जाती ओपिनियन नहीं देना. You have to avoid it as much as possible. Unless you can back it with data. अगर आपको कोई डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ क्योंकि ये मिसाल बहुत कॉमन भी है और इस तरह के इशूज मैंने लोगों के बहुत विटनेस भी किए. आपको सवाल आता है, लेट अस अज्यूम कि ये जो नूर मुकदम केस आया है इस वक्त वुमेन राइट्स के हवाले से आप पे कोई आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी. सपोज दैट यू डू द मिस्टेक ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, स्पेशली If someone is having a different approach towards this question, वो attempt कर लेते हैं दोनों खवातीन और मर्द हजरात के लिए problem question बन सकता है. अब वो बंदा इसको attempt करता है कि भी आप उसको देखते हैं कि जी आप social fabric हमारा deteriorate कर रहा है, impact आ रहा है हमारा social fabric जो है वो खराब हो रहा है, western culture की वो ये चीज आ रही है और you know etc etc. आप इस तरह की बातें उसमें लिख के आ जाते हैं because that suppose that supports an opinion that you might have. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको पूरा जीरो नंबर मिल सकता है. अब सवाल आया कि क्यों, क्योंकि आपने अपने ओपिनियन को जो है जबरदस्ती फैक्ट्स के साथ अलाइन करने की कोशिश की. जैसे आप एक जनरल लिंक बना रहे हैं ना, मतलब इट्स नॉट अ फैक्ट. फैक्ट इज दिस कि आपकी इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन, इन टर्म्स ऑफ you know bridging the gender gap and the cases of violence. wo numbers kya hai, numbers jo hai wo aapko numerical data de kisi bhi situation ke hawale se. to aapne as much as possible, chahe you are saying ki ji society ka fabric jo hai wo deteriorate ho raha hai, ya aap ye kehna cha rahe hain ki pakistan mein khawateen ke rights hi nahi hai, ye dono extremes ko aapne avoid kar har surat. approach kya hai ki aap data present kare and you let the facts speak for themselves. facts apne liye khud kyun baat karenge ji, aap ye kahenge ki ji aapne ek centralized picture deni hai. for example agar aap ye baat karte hain ki agar 5000 cases report hue hain, reported cases hain, agar hum kehte hain violence ke against women in any form or variety, to uske against jo hai government action jo hai wo ye hai aur uske upar ek aur third party observance ye hai. यानी कि ये फॉर इसको हम एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, आप 5000 केसेस हुए 2019 के अंदर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दैट वर रिपोर्टेड इन लोकल पुलिस स्टेशंस. फिर एक सेल कायम किया गया जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर था, जहां पे सिर्फ खवातीन डील कर रही हैं और वहां पे खवातीन की जो है वो कंप्लेंट कर भी सकती हैं. एक बिल प्लेस किया गया नेशनल असेंबली के सामने अब डोमेस्टिक इशूज के ऊपर और जो भी वायलेंस क्रिएट होती है. और फाइनली फिर एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये ओपिनियन. So it can be assumed कि इस वक्त आप अब फिर इस पर आप अपना एक डिप्लोमेटिक स्टैंड दे सकते हैं कि देर इज अ पुश एंड पुल टूवर्ड्स बेटरमेंट. सम एलिमेंट्स आर बींग पुल्ड बैक, सम आर बींग पुल्ड फॉरवर्ड. दैट इज अ जेनेरिक वे ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स.
कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन या स्टैंड आप लोगों ने हरगिज नहीं लिया। जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, वेरी फ्यू एडिटोरियल्स वुड कैरी विद देमसेल्व्स एन एक्सट्रीम स्टैंड ऑफ सम सॉर्ट। ज्यादातर वो आप नोटिस करेंगे कि जो भी ओपिनियन होगा उसके एंड में या बिगिनिंग में हमेशा कोई डेटा की बेस या फैक्ट्स को बेस बना के कोई ओपिनियन पेश किया जाता है। पर जब आप करंट फेज में का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उस वक्त आप एक एकेडमिक अप्रोच रखें, और एकेडमिक अप्रोच का जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं ना जो ड्रॉबैक है कि वो आप अपने ओपिनियन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए बिकॉज यू डोंट नो द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर, डू यू? He could have a completely different opinion from you, which is why आपका जो facts, numbers, reports of international organizations, ये आपकी सबसे बड़ी strength है current affairs के exam के। Theoretical frameworks जिसके through आप किसी situation को analyze कर रहे हैं, references, ये भी आपकी बहुत बड़ी strength है। फिर हम आते हैं इसके next aspect के ऊपर कि हमारा जो relationship है information का वो कैसे करंट अफेयर्स के साथ उसका क्या लिंक है। बेसिकली मीडिया नैरेटिव्स जो है ना वो आपको दो तरह की चीजें देते हैं, वो आपके ओपिनियंस को व्यूज को ब्रॉडन भी करते हैं और साथ ही आपके एक्शन और थॉट को लिमिट भी करते हैं। जब भी आप कोई चीज अटेम्प्ट करें, कोई एग्जाम अटेम्प्ट करें, तो आप ये याद रखिएगा कि आपने आपके पास दो तरह के बायसेस हैं। एक जो आपके अपने जाति पुराने चले आ रहे हैं जो आपके आपके अपब्रिंगिंग का हिस्सा, आपके कल्चरल सेटअप का हिस्सा है, और एक वो आप बायसेस हैं जो आप मीडिया कंजम्पशन के थ्रू अब आपके क्रिएट। तो इन दोनों को इग्नोर करके कोई बात कर लिखना या करना इज प्रोबेबली द हार्डेस्ट थिंग दैट यू वुड हैव टू डू इन दिस एग्जामिनेशन, कि आपने अपना जाति ओपिनियन बीच में नहीं आने देना जो मर्जी हो जाए, और जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसको कोई बैकिंग होनी चाहिए एक से दो से तीन सोर्सेस तक। कोई भी एक एडिटर या कोई भी एक आर्टिकल राइटर या कोई भी एक ऑथर का ओपिनियन आप फैक्ट बना के भी पेश नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि डेट्स और नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड, उसके अलावा हर चीज जो है वो आप उसको ओपिनियन का ही दर्जा दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। पहले जो मैंने बीच में लेक्चर दिया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना हो या देखा हो, तो मैंने एक बात की थी उसके अंदर कि वेरिफिकेशनिज्म क्या हो, इसे कहते हैं जी वेरिफिकेशन प्रिंसिपल और द वेरिफाइबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मीनिंग। ये एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है जो ये कहती है कि ओनली स्टेटमेंट्स दैट आर एम्पिरिकली वेरिफाइबल आर कॉग्निटिवली मीनिंगफुल और एल्स दे आर ट्रूथ्स और लॉजिक। यानी कि वो चीज जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं, उस चीज के अलावा किसी चीज को आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते करंट अफेयर्स के, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ फैक्चुअल रियलिटी कि जी ये चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे हमारे पास डेटा मौजूद है तो इस चीज के ऊपर आप डेफिनेटिवली बात कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब आपको पता है कि जी ये डेटा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना टेम्परेचर गिर रहा है हर साल, इसका ये नुकसान है, उसके रिजल्ट फ्लडिंग, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक डेटा विच इज क्वांटिफाइबल। तो इस पे आप बहुत एक रिजिड स्टैंस लेके बात भी कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक है। उसी तरह वाटर इश्यूज जो है, लोअर रिपेरियन स्टेट्स का सर्टन राइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, विच मीन्स के आपको पानी बाद में मिलता है इंडिया से, इंडिया के पास आपके वाटर वर्क्स का कंट्रोल है, अगर वो बंद कर देंगे तो आपके ऊपर ड्राउट आ जाएगी, ये एक फैक्ट है। आपके वाटर इश्यूज हैं, आप दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर मौजूद हैं एज द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, जिसकी पॉलिटिक्स में वाटर का बड़ा रोल है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये सबको पता है, ये फैक्ट्स हैं, इनसे डिविएशन नहीं हो सकती। हाउएवर इफ यू आर सेइंग दिस कि अगर पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपने मैप में इंक्लूड कर ले और अगर वो फौज डिप्लॉय कर ले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो कश्मीर का इशू फौरी तौर पर रिजॉल्व हो सकता है, तो दैट इज अ ह्यूज अजम्पशन व्हिच यू कैन नॉट मेक बिकॉज दिस कैन नॉट बी बैक्ड बाय एनी काइंड ऑफ डेटा। ये एक अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी आ गई। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि इस रिकमेंडेशन या इस ओपिनियन का आउटकम क्या हो सकता है, तो इसको फैक्ट समझ के नहीं आपने कोट करना।
कोई भी ऐसी चीज जहां पे इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली दो ओपिनियंस मौजूद हैं, उनको आपने एक तो अवॉइड करना है और दूसरा उनको कोट नहीं करना एज फैक्ट। फिर इसके अलावा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू अवॉइड एनी ओपिनियन दैट कैन बी वन एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान आइडियोलॉजी, एंटी टू नेशन थ्योरी। इन चीजों की एंटी होके आपने बात नहीं करनी, चाहे आपका आपको लगता भी हो कि ये ऐसा है और मे बी आप उसको प्रूव भी कर सकते हो किसी डिग्री पे, पर ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है और इसके अंदर आपने इस तरह का कोई स्टैंस नहीं लेना जो कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, स्टेट की आइडियोलॉजी या फाउंडिंग फादर्स या कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यूबल फिगर के खिलाफ आप नहीं लिख सकते इसके अंदर, इवन इफ यू फील लाइक इट। ठीक है जी, तो आपने ये चीज अवॉइड करनी है। इस पॉइंट पे अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब दिस इज अनदर, ये जस्ट टू टेल यू कि ये क्या होता है, इसको परेशान मत होइएगा देख के, कि रेफिकेशन से क्या मुराद होती है। रेफिकेशन जो होती है ना, वो कहते हैं हर उस चीज को जो कि आपकी जी आपकी लाइफ में, आपकी इंफॉर्मेशन में ऑर्डर देती है। ठीक है जी, रेफिकेशन राइटिंग के अंदर, या इट्स वैसे एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, या आप जब भी कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर रेफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स के उसमें जो ये तीन मैंने लिखे ना बातें, इनसे ऑपोजिट उसमें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूजन यानी कि आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है सही तरीके से। ठीक है जी, वन क्या आपका बिगिनिंग है, मिडिल है और एक कंक्लूडिंग एंड है। फिर उसमें इंक्लूजन यानी कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, इधर उधर की बिला वजह की इंफॉर्मेशन से सिर्फ सफे भरने की जरूरत नहीं है। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपने कोई उसमें प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दी, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई प्रॉपर बिगिनिंग और एंड नहीं है। अच्छा, ये खवातीन को तो मुझे रेयरली ये बताना पड़ता है क्योंकि वो नेचुरली भी कुछ खवातीन को शौक होता है कि टू शॉर्ट ऑफ लाइक ब्यूटिफाई देयर एग्जामिनेशंस और पेपर्स। बंदे नहीं करते ये काम, तो उनके लिए स्पेशल ये एक मशवरा है कि काइंडली हेडिंग्स डालने की आदत थोड़ी सी बनाए, कोटेशंस यूज कर रहे हैं तो उनको किसी और पेन से लिखें। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, इनकी कोई मार्किंग नहीं होती, लेकिन एक वो वाली वही वाली बात है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन के किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इमीडिएटली एटलीस्ट यू आर नॉट जज्ड फॉर लुकिंग स्लॉपी, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, राइट? सो एक जो एग्जामिनर है जब वो आपका पेपर खोलता है तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर आप इन एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो ये रेफिकेशन आपकी राइटिंग के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके आर्ग्यूमेंट में भी रेफिकेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूजन, ठीक है जी, और रेपिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज वाई आई रिटन डिसऑर्गेनाइजेशन ट्वाइस हियर, कि रेपिटेशन को बहुत ज्यादा अवॉइड करें। एक बात आपने कर दी उसको घुमा फिरा के फिर मत करें, उसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो लेके आए। रेपिटेशन आपने एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। अच्छा, अब रिमेम्बर दिस कि एक होता है कि आपने पास कर लिया पेपर, ठीक है जी, चलो जी हमारा पेपर निकल गया कि हमने इतना कर लिया था, हमने एक बिल्कुल तगड़ी सी कंक्लूजन लिखी थी, रिकमेंडेशंस भी दे दी थी और बेस कर ली थी। और एक होता है ज्यादा नंबर लेने का तरीका। रिमेम्बर दिस, दिस इज ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट इन सीएसएस, लिटरली एवरी सब्जेक्ट, कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं, दैट मींस कि आप उसको चार मेजर पर्सपेक्टिव्स बताते हैं, ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया लॉ एंड पॉलिसी, जिसके अंदर आपके पास लीगल पर्सपेक्टिव आ जाता है, ठीक है जी, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव आ जाता है जो इसके अंदर फॉल करता है। फिर हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स, ये दूसरा एस्पेक्ट है, यहाँ पे सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, जो भी एक नेचर है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स की या इंडिविजुअल एंड स्टेट की, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर डल सकती है करंट अफेयर्स के हिसाब से। फिर आते हैं जी थर्ड, विच इज टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, कि आप आईटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं किसी चीज को, इनोवेशन और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और उसका पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। और फिर फाइनल है जी मार्केट फोर्सेस, विच मीन्स योर बिजनेस, योर इकोनॉमी,
उसके लेंस से देखते हैं, सोशल इनोवेशन जो कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्केट के अंडर आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट। ये चार वो मेजर एरियाज हैं जिनसे आप डिफरेंट हेडिंग्स और पर्सपेक्टिव्स बना के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये मौका मिलता है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जहां पे आप लॉ एंड पॉलिसी, मार्केट फोर्सेस, ये दो तो हर सूरत हर क्वेश्चन में ये पर्सपेक्टिव्स आपके निकलेंगे निकलेंगे। तो इनके साथ अगर कोई थियोरेटिकल चीज आप बयान करते हैं, कोई लॉ या कोई बैकग्राउंड या कोई ऐसी चीज देते हैं, कोई इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन देते हैं, फॉर मिसाल के तौर पे अगर आपको पैलेस्टाइन के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें अगर आप इंटरनेशनल लॉ की कोई डॉक्ट्रिन दे देते तो नेचुरली द एग्जामिनर इज गोइंग टू थिंक कि दिस पर्सन हैज डेटा, बट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स हाउ टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, मल्टीपल तरीकों से वो एक चीज को स्टडी कर सकता है या देख सकता है। अब लॉ जो है, अगर मैं ये बात करूंगा आपसे कि जैसे जरूसलम को कैपिटल बनाया, बनाने के जो सारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा एक था कि इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करें, और उसके रिस्पांस में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने होल हार्टेडली इस चीज को जनरल असेंबली में रिजेक्ट किया, सो एक लीगल परस्पेक्टिव ये भी है कि वाइल इट इज नॉट बाइंडिंग इट डिड क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट डिसप्लेजर मूवमेंट और एक जनरल ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल पब्लिक कम्युनिटी वो आपके सामने आ गया। अब अगर आप इस तरह से ये बात करेंगे तो नेचुरली आपके आंसर में दम ज्यादा है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि जिन लोगों ने आई लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस रखा हुआ है उनके लिए करंट अफेयर्स शुड बी लाइक यू नो अ गिफ्ट, लिटरली रैप्ड इन द एब्सोल्युटली राइट काइंड ऑफ गिफ्ट पेपर, तो वो इसका फायदा पूरा पूरा उठाएं। आईआर की जो आपकी कई थ्योरीज हैं, कई चीजें हैं जिन्होंने नहीं रखा हुआ, उनको मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि हम उस लेवल में इन्वॉल्व कर सके, इनको ला सके उस लेवल पे कि वो हिस्टोरिकली लीगली पॉलिसी एस्पेक्ट से और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इन चीजों को भी देख सके। ठीक है जी। अब आप, क्योंकि हमारे बिहेवियर जो है वो इन चार एरियाज में रेगुलेट होते हैं, इसी तरह आपने डे टू डे अफेयर्स और इवेंट्स को भी इन्हीं चारों पर्सपेक्टिव से देखना है। जब भी कोई न्यूज आपकी नजर से गुजरेगी, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जी ये न्यूज जो है इस इज वर्दी ऑफ बीइंग एडेड टू माय नोट्स, यू मस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या ये इन चारों एस्पेक्ट्स में से किसी एक एरिया में फॉल करती है। इज इट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, इज इट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक अ सोशल नॉर्म, सोशल एस्पेक्ट, इज इट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, और इज इट इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। ये चार आपके सवाल होने चाहिए बिफोर स्टैम्पिंग समथिंग इन योर नोट्स डायरी एज इम्पॉर्टेंट और नॉट। इस स्टेज पे इस वक्त अगस्त में आपके पास एक ऐसी डायरी मेंटेन हो रही होनी चाहिए जिसमें आप इवेंट्स नोट कर रहे हैं फ्रॉम द हेडलाइंस, फ्रॉम इंटरनेशनल हेडलाइंस, जो आपका एक न्यूज़पेपर है जिसको आपने बाकायदगी से रिलीजियसली पढ़ना है लाजमी, वो बहुत जरूरी है आपके हर पेपर के लिए, अदर देन मे बी Perhaps English प्रेसी वाले पेपर के लिए आपको ना जरूरत पड़े, पर अदर देन दैट हर पेपर जो है ना उसमें आपको न्यूज़पेपर की स्टडी काम आएगी। और वहां से आपने जो है ना ये आपकी इस वक्त एक नोटबुक सी मेंटेन होनी चाहिए जिसमें डेट टाइम कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये चीजें आपने मार्क करना शुरू कर दी होनी चाहिए इस पॉइंट। अगर अभी तक नहीं की तो मैं भी जो है जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनवर्ड जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लगती रही है वो मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ, एक दो चार पोर्शंस में आई विल डिवाइड इट एंड आई विल शेयर दोज विद यू कि ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं और इनको आपने इनकी डेवलपमेंट पे नजर रखनी है और इनको साथ साथ कवर भी करते रहना है। अच्छा, अब थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई कैसे करना है, किसी चीज का फ्रेमवर्क क्या होता है, ये याद रखें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या किसी चीज की थ्योरी बताना, मैं आपको कोई पांच छह थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बताऊंगी जो कि करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि आईआर के अंदर भी हैं और जो कि अप्लाई कर सकते हैं आप इस पेपर के अंदर। ठीक है जी। तो एक तो ये याद रखें कि एक किसी चीज का ब्लूप्रिंट कि आपने घर बनाना कैसे है उसका आपको ब्लूप्रिंट चाहिए ना, आप एक आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग बनवाते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप घर खड़ा करें, आपके पास कोई अगर वे फॉरवर्ड ही नहीं होना किसी चीज के, कोई पॉइंट ए टू बी का कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जो भी आप बनेंगे आप बस चल रहे हैं, उसका कोई एक रूट नहीं है सच। ठीक है जी।
तो टू अप्रोच दिस प्रॉपरली, तरीकेकार यही है कि आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अपने जवाब के लिए ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। आपको कोई एक आधा थ्योरी होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अपने फैक्ट्स को एनालाइज करें। फिर एक होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये यूजली जो अगर आप में से किसी ने एमएस किया हो, मास्टर्स किया हो, तो यू वुड बी अवेयर ऑफ दीज टू थिंग्स एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। जब किसी भी रिसर्च को आप अंडरटेक करते हैं ना, तो फिर ये दो एस्पेक्ट्स अपने दिमाग में रखने होते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही कि आपने टाइटल दे देना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन योर एग्जाम। इफ यू फील लाइक इट कैन बी जस्टिफाइड तो दे दें, अदरवाइज ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। मुराद ये कि किस चीज को आप थ्योरी बना रहे हैं और क्या चीज आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन रही है, इसके थ्रू आपने डेटा को एनालाइज करना है। वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन योर फर्स्ट पैरा कि जी मैं अपने पहले पैराग्राफ में लिखा कि जी फलां बंदे ने ये थ्योरी दी थी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इवेंट राइट नाउ हैपनिंग ही वाज राइट। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ बुक्स की आपने सुना होगा या इस पॉइंट पे आपको पता होगा। एक होगा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है, फुकुयामा ने कुछ बातें की थी, जो रियलिस्ट ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ बातें की हुई थी, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं। ये एक लिस्ट है इन 5-6 लोगों की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या कहा था या इनके ओपिनियंस क्या थे। 21st सेंचुरी के आई थिंक देर इज जॉन फ्रीजा और इस तरह के ना कोई लोग मौजूद हैं जो कि आपको पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, और उन्होंने आपको एक बेसिस भी देनी है कि आपने उनके पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी से आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, ये आपने बातें बतानी है। तो जाहिर है जो 12 साल की जो स्टडी है उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एक तो ये भी रियलिस्टिकली आपने एनालाइज करना है कि अगर आपने इस पॉइंट तक आपको बहुत ज्यादा रीडिंग की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं। इट्स अब इस वक्त 12 साल की रीडिंग तो नहीं पे कैचअप किया जा सकता। जो चीज कैचअप की जा सकती है वो ये है कि आपने न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ना है जैसे बस ये यही किताब है दुनिया में, बेस्ट बुक आई थी और यही हमने पढ़ा। उसके ऊपर आपको फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको फिर एटलीस्ट अपने जब आप पढ़ेंगे ना रोज के रोज न्यूज़पेपर, बड़ी चीजें ऐसी आएंगी जिनको आप अंडरलाइन करेंगे, आप खुद से रिसर्च करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में डे टू डे इजाफा बहुत ज्यादा होगा अगर आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। अच्छा, अब थ्योरी एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, वही वाली बात के आपने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से करना है, जनरलाइजेशंस, ऑब्जर्वेशंस और एक इंटरलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज, आपस में ताल्लुक होना चाहिए। ये ना हो कि आप इंट्रो में कुछ कह रहे हैं, मेन बॉडी में कुछ कह रहे हैं और फाइनल कंक्लूजन आपने कुछ और ही निकाली, राइट? तो रियलिटी के अंदर रहते हुए पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स, इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों का जिनके बिहेवियर का इम्पैक्ट स्टेट लेवल है, दैट मीन्स लीडर्स, पोलिटिकल थिंकर्स और पोलिटिकल पार्टीज और पीपल इन द गवर्नमेंट और लॉयर्स और जजेस, ये इन लोगों की बात हो रही है, इनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है और इनकी क्या फोर्स है और क्या उनके रिलेशनशिप्स हैं आपस में, ये चीजें मैटर करती हैं। और थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है एक मास्टर फिनोमेना को, यानी जनरल बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर फिनोमेना पाकिस्तान की पोलिटिकल उसमें ये है कि देर इज ऑलवेज बिन एन इंक्लिनेशन ऑफ पावर टूवर्ड्स द मिलिट्री साइड। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई थ्योरी चाहिए, कोई फ्रेमवर्क चाहिए। ये बात आप वैसे तो कह सकते हैं, बट सबूत क्या है? इसके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो क्या ये बस वैसे ही हम हवा में ये बात करें? कोई एक हिस्ट्री बेस होती है, या आप इसको कहते हैं कि भी जो रियलिस्ट फ्रेम ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी हर इंस्टीट्यूशन पावर के लिए लड़ता है, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी आप बयान कर सकते हैं। एंड यू कैन से दिस कि जी इसकी बेस के ऊपर सिंस एवरी इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स टू फाइट फॉर मोर पावर, तो इन पाकिस्तान केस हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि उसमें द मिलिट्री ड्यू टू फोर मार्शल लॉज हैज इमर्ज सक्सेसफुल इन पुलिंग द पावर डायनेमिक टूवर्ड्स हिम। अब आहिस्ता आहिस्ता पावर डायनेमिक मूव कर रही है टूवर्ड्स द मोर डेमोक्रेटिक एरियाज। अब ये एक अप्रोच हो सकता है चीजों को देखने के लिए। आपको जब आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स या हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क्स के थ्रू जब बात करते हैं तो उससे आपके आंसर में जान पड़ती है, मतलब उसमें दम आता है। एक होता है कि आपने एक बात की, ठीक है, गुड, इट कुड बी वेरी एक्यूरेट, बट
उसकी बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। अगर उस फाउंडेशन पे आप कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रखते हैं या उसको एनालाइज करने का कोई ऐसा तरीका उठाते हैं, तो फिर आपके आंसर में बहुत ज्यादा दम है कंपेयर टू द अदर पर्सन जिसने ये चीज नहीं की। ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आपकी जो भी प्रडिक्शंस आप कर रहे हैं, क्योंकि आपसे फ्यूचर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहते हैं जी पाकिस्तान यूएस टाइज के ऊपर आप कोई एक कोहेरेंट नोट लिखें, ये तो बहुत दफा पूछा जाता है। तो उसमें आप मौजूदा फैक्ट्स पास्ट को लेके आप एक पोटेंशियल चीज के ऊपर बात करें, तो उस तरह की चीजों में आपकी किस कोई आप प्रिडिक्शन करेंगे जी फ्यूचर में ये हो सकता है, तो उस प्रिडिक्शन के पीछे रैशनल क्या है कि आपने उस प्रिडिक्शन पे पहुंचे कैसे। आप इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क काम करता है, और वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि जी मतलब ये फैक्टर्स हैं और इनकी रिलेशनशिप में और इस चीज की लाइट में और कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस थ्योरी दैट वाज गिवन, और ये टाइम एंड अगेन ये चीज प्रूव हुई है, तो इन माय ओपिनियन या इट इज अज्यूम्ड कि ये हो सकता है फ्यूचर। इस तरह से आपने चीजों को अप्रोच कर। अच्छा, वो वाली स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये बात की थी कि क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स में आपके पर्सनल बायसेस हरगिज नहीं आने चाहिए। इनफैक्ट आपका जेंडर भी नहीं पता चलना चाहिए रीडर को कि आप लड़का है या लड़की, क्योंकि इट इज यूजली वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये किसी खातून ने लिखा है या किसी बंदे ने, क्योंकि हमारे पर्सनल बाइसेस इतने ऑब्वियस होते हैं लिखते हुए, इतने जेंडर्ड होते हैं कि ये भी पता चल जाता है कि बंदे ने लिखा है या बंदी ने। तो उनसे आपने अवॉइड करना है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल पेपर। जितना हो सकता है एकेडमिक्स पे रिलाई करें, ना कि अपने पर्सनल बाइसेस और ओपिनियंस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर्स में कोई चीज डेफिनेटिव नहीं है। आपने नहीं कहना ऐसा होगा या ऐसा है अनलेस यू कैन बैक इट अप। हिस्ट्री और नंबर्स के लिए आप डेफिनेटिव्स यूज कर सकते हैं, पर ये मत कहेगा कि जी ये है तो ये हो जाएगा। उसमें लैंग्वेज का बड़ा ख्याल करना। आपने जो मेरे इंग्लिश प्रेसी के स्टूडेंट्स कुछ अगर मौजूद भी हैं, एक आधा मुझे नजर भी आ रहे थे अभी, तो वो उनसे मैं एक बात हमेशा करती होती थी कि कभी भी कोई ऐसी चीज आपने क्लेम नहीं करनी जो कि आपकी राइटिंग से लग रहा है कि भी बड़ी बात की आपने, राइट? यू कैन नॉट डू दैट। आपने हमेशा फोकस ऐसे रखना है अपना, आपने अजम्पशंस बयान करनी है और पॉसिबिलिटीज बयान करनी। करंट अफेयर्स में फ्यूचर के हवाले से और फ्यूचर रिलेशनशिप के हवाले से कोई भी चीज सेट इन स्टोन नहीं है, और आप तो बिल्कुल ही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते उसको एट योर लेवल ऑफ स्टडी, और सिर्फ पास्ट इवेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं श्योरिटी के साथ, और कोई चीज नहीं। फिर सीक्वेंस ऑफ योर आंसर, ये थोड़ा सा बेसिक है। आप लोगों ने आई एम श्योर इस नौयत की कोई चीज अगर ऐसे का पढ़ा है तो उसमें भी देखी हो, लेकिन बहरहाल हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें आप पहले आप कॉन्टेक्स्ट बताएं, प्रॉब्लम को ओपन करें, खोलें, एक डेवलप करें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको, और उस रेफरेंस को डिस्कस करने की बेसिस क्या आप, ये आपने इंट्रोडक्शन में बताना है, ठीक है? और क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रेफरेंस या वो बेसिस जो आपने अपने ओपिनियन के लिए बनाई है उसको आपने वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी रिकमेंडेशंस में जो कि आती है कंक्लूजन के अंदर, ठीक है जी? जो आपने ऊपर फ्रेमवर्क दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं, आपने हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क उठाया है, आप हिस्ट्री से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट है पुराने भी ऐसे ही होता था इसलिए हो सकता है आगे भी यही हो, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए जो आप रिकमेंडेशंस देंगे तो उसकी लाइट में आप क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पाक इंडिया की रिलेशनशिप को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने हमेशा जो है एक पॉजिटिव वो किया है, उसको सपोर्ट करेंगे आप इवेंट्स के साथ, पास्ट इवेंट्स के साथ, कि जी हमने उनको बुलाया, हमने ट्रेन इनिशिएट करने की कोशिश की, हमने जो है क्या नाम है, क्या वो सिखों का जो भी हमने खोला है करतारपुर का जो है, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी अपने एंड पे ली, उसको खोला, और मतलब गुडविल के जेस्टर्स आप उनको गिनवाएंगे और फिर उस पे इंडियन रिस्पॉन्स काउंटर करेंगे। अब वो आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में हम एक और कोई काम करते हैं और आगे से रिस्पॉन्स ये आने के चांसेस है, बिकॉज प्रेसिडेंट से ये साबित होता है कि शायद ऐसे ही बिहेवियर हो, बिकॉज उनकी जो करंट गवर्नमेंट है उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाए, फिर उनके लिए ब्लेम करना
या अपनी पब्लिक को डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए हिस्टोरिकली जो हिंदू ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स हैं वो कभी भी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना उनके लिए इलेक्शन में अच्छा नहीं साबित होता। तो वो आप उसकी लाइट में ये है, तो रिकमेंडेशंस ये है कि पाकिस्तान में अप्रोच थ्रू डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स रादर देन ऑब्वियस फ्रंट मार्केटिंग, बैक चैनल्स डिप्लोमेसी की खोले। अब ये एक ऐसा रिकमेंडेशन है जो इन लाइट ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि जो आपने इनिशियल इंट्रो में जो बयान किए इश्यूज उसकी लाइट में ये रिकमेंडेशन की सेंस बनती है। बिल्कुल ही हटके कोई दुनिया की चौथी परले मोहल्ले की आपने रिकमेंडेशन नहीं देनी जिसका कोई ना सर ना पैर ना आपने उसका कोई डिस्कशन किया हो। जो भी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन में आप चीज लिखेंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए आपके इंट्रो के साथ या आपके रेफरेंस के साथ या आपकी बेसिस के साथ जो आपने उठाया है। आपस में उनका ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। उस तरह फिर अब हम आते हैं कि आपके बॉडी के जो चार पोर्शंस हैं, विच इज मेन बॉडी ऑफ योर टेक्स्ट, विच इज ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल बेसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि अब आपने एक कुछ फैक्ट्स बताए, एवोल्यूशंस बताई, एग्जिस्टिंग सिनारियो बताया, जैसे कि आपसे मैंने अभी जिक्र किया एग्जाम्पल का कि आपको पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जाती, तो फिर उसमें आप जो भी एवोल्यूशन हुई किस पॉइंट पे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है, फिर आपने उसमें कॉन्सेप्ट बताए, उसमें कोई अगर डॉक्ट्रिन जैसे दुबल डॉक्ट्रिन है या कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है इसका कोई जिक्र आ गया है तो वो बताइए आपने, ठीक है जी, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर अपनी अजम्पशन का कुछ थ्योरेटिकल बेसिस बयान की, ठीक है। थ्योरेटिकल बेसिस क्या है कि जी रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि जो जो एक है IIR के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, लेट मी जस्ट ऑन द टिप ऑफ माय टंग, हाँ जी, इट इज कॉल्ड रीजनल हेजमनी, कि रीजनल हेजमेंट्स होंगे तो वो क्या है, तो ये एक थ्योरेटिकल बेसिस है, ठीक है। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है जी, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नंबर्स। अब आप नंबर और इवेंट्स के थ्रू अपनी इंटरप्रिटेशन को एनालाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम इस थ्योरी के तहत इन कॉन्सेप्ट्स के अंडर और इस इवॉल्विंग सिनारियो की नजर में ये मेरा आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट आई थिंक बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स एंड नंबर्स, ठीक है जी। और फिर आप अपनी वो कंक्लूजन देंगे दैट या रिकमेंडेशन देंगे दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर इंट्रोडक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि इज देयर अ राइट आंसर, कि कोई चीज ऐसा हो सकता है कि आपका इंटायरली गलत मार्क हो जाए। सिर्फ एक सूरत में आपका आंसर इंटायरली क्रॉस हो सकता है, कि अगर आपको क्वेश्चन की नहीं समझ और आपने बिल्कुल ही कुछ और लिखा है, सिर्फ उस सूरत में आपका क्वेश्चन कंप्लीटली 0 मार्क, और कोई सिनारियो नहीं है जहां पे ये होगा। अगर आपका आंसर लॉजिकली साउंड है, सब्सटेंशिएटेड बाय प्रीवियस डेटा है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, सपोर्टेड बाय फैक्चुअल स्टडीज, एविडेंस, नंबर्स, पास्ट इवेंट्स, तो आपका आंसर विल बी मार्क्ड हायर, नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। उसका तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपकी कोटेशंस होनी चाहिए, आपने थ्योरिस्ट को रेफर किया होना चाहिए, आपके पास नंबर्स और फिगर्स होने चाहिए और एंड में आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। इन सब चीजों को, ये तो वो हो गए ना धागे, अब इन धागों से आपने कपड़ा कैसे बुनना है, उस कपड़े का बुनना जो है ना वो आपकी लैंग्वेज है, विच इज योर रिटन एक्सप्रेशन। आपका कमजोर होगा ना रिटन एक्सप्रेशन तो वो फिर उस वो धागे ही रह जाएंगे, उनसे वो फैब्रिक नहीं बन सकता। तो इसलिए अपनी राइटिंग और एक्सप्रेशन स्किल्स, राइटिंग स्पीड और राइटिंग स्टाइल, इन चीजों को पर मतलब जो भी नोट्स आप बना रहे हैं ना, तो जरा थोड़ा सा फीडबैक लेते रहा करें अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों के साथ कि क्या मेरी राइटिंग लेजिबल है, क्या तुम्हें इस आंसर में मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कि नहीं। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कोई आपको टीचर से लेने की जरूरत नहीं है, फीडबैक आप अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स अवेलेबल है, अगर आप ऑथर है, कोई टीचर है, तो वो तो और भी अच्छी बात है, उससे भी ले, पूछें कि जी ये मैंने ये अटेम्प्ट किया है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन, या आप मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको समझ आ रही। अगर तो दूसरे शख्स तक आपका वो ओपिनियन पहुंच रहा है जो आपके दिमाग में है, तो दैट मीन्स कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, और यही चीज हमने एम करनी है और यही चीज अचीव करनी है। अच्छा, अब रिकमेंडेशन ट्रैप,
इसको मैं ट्रैप इसलिए कहती हूँ कि रिमेंबर दिस कि सीएसएस के एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि कोई रिकमेंडेशंस दें जी, आप सबसे पहले अपनी हम एक ह्यूमिलिटी के साथ आपने इस रिकमेंडेशंस को अप्रोच करना। ह्यूमिलिटी से मुराद ये कि आप पहले तो ये एक्नॉलेज करके इस ट्रैप में पैर रखें कि जो भी रिकमेंडेशन आप देंगे वुड बी ग्रॉसली ओवर सिंप्लीफाइड। दैट मीन्स कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी जो आपसे पूछी गई होगी और उसके ऊपर आपने रिकमेंडेशन देंगे। तो उसको अप्रोच करने का सबसे आइडियल तरीका ये है कि आप कोई ऐसी रिकमेंडेशन दें जो ऑलरेडी कोई ऐसा इदारा या कोई लोकल लेवल पे या कोई साइंटिफिक कंसोर्शियम ने ऑलरेडी दिया हो। अपने पल्ले से ये नहीं कहना, ठीक है? मसलन अगर इसको थोड़ा सा हम इस तरह देखें, ये पानी का मसला अब ऐसा मसला तो है नहीं कि कोई आपका घर का इशू है कि जिसमें बाल्टी में पानी नहीं भरा जा रहा, जिसके ऊपर आप बैठ के कोई बहुत आराम से कह दें कि भैया आप उसको आप ये कर लें, फलां से ले लें, पड़ोसी से मांग लें। ये होता है बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। अब आपसे कहते हैं कि पाकिस्तान का एक वाटर स्कैर्स कंट्री है, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि क्या किस तरह अप्रोच किया जाए। अब जाहिर है आप पर्सनली अपनी जात में बियॉन्ड दैट बाल्टी का पानी से भर जाने से आपकी एक्सपर्टीज नहीं है पानी को देखने की, ना आपकी वो एक्सपर्टीज अगर है भी तो वो शो नहीं है पेपर। तो उसको रिकमेंडेशन के साथ आप क्या करेंगे कि आप ये चीज अटैच करेंगे कि जी वर्ल्ड बैंक ने या द कमीशन ऑन वाटर स्ट्रेस या वल्नरेबिलिटी इंडेक्स ने ये रिकमेंड किया कि ये कंट्रीज को ये करने की जरूरत है, एंड इट इज एडवाइजेबल दैट पाकिस्तान अप्रोचेस इट लाइक दिस। जो रिकमेंडेशन इस तरह लिखी जाती है ना उसके पीछे बैकिंग होती है एक्चुअल डेटा की, ठीक है? अब इसमें ये एक रिकमेंडेशन लिखने का तरीका है। और एक ये तरीका है कि पाकिस्तान शुड बी मोर केयरफुल इन इट्स यूजेज ऑफ वाटर। दिस इज अ वेरी यूजलेस वो कहते हैं रिकमेंडेशन, बिकॉज इसका कोई सर पैर नहीं है। ऐसा ही है कि जी आपके पास पानी नहीं आ रहा, अभी बाल्टी में भर के साइड पे रख लो जब तक आता नहीं है, ये उस तरह की रिकमेंडेशन। इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड कर, हर चीज को डेटा से बैक करनी है। फिर एक होती चीज नीट रेजोल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसका बड़ा आपने सादा सा और बिल्कुल ही बुनियादी से सोल्यूशन दे, ठीक है? जैसे अगर आपको पता है कि कश्मीर इशू बड़ा वो है, मुश्किल है, और जैसे पैलेस्टाइन का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं कि हमें अपनी फौज वहां भेज देनी चाहिए, अब इज दिस बैक्ड बाय एनी डेटा? दिस ये आपका जाती जज्बा हो सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। नीट रेजोल्यूशन उसको कहते हैं कि जी मतलब जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके बहुत ही कोई आसान और एक ही स्ट्रेट अप आपने अपनी अपनी एलिजिबिलिटी ऑफ नॉलेज के बेस के ऊपर आपने वो आंसर दे। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। तो रिकमेंडेशन ट्रैप यही, इट इज बेटर टू नॉट गिव एनी रिकमेंडेशंस देन गिव सच रिकमेंडेशंस। तो हमेशा कोशिश करें कि उसको डेटा से बैक करें कि जी वर्ल्ड बैंक ने ये दी थी या एशियन डेवलपमेंटल बैंक ने ये कहा था, और उसके तहत उस डेटा की बेस के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं। सीएसएस के लिए जनरली भी आपकी ना रीडिंग और इंफॉर्मेशन कंजम्पशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपको। ये मैं थ्योरीज वगैरह पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश होगी कि मैं हर टॉपिक के हवाले से आपको एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स और मौजूदा लेटेस्ट पॉसिबल जो जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बताती रहूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिकमेंडेशन जरूर दी होती हैं कि फलां इट्स कंट्री सही सर। को। हेलो, किसी ने कुछ पूछना है? आई कुड हेयर समवन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये वो जो थ्योरीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, अगर आपने कोई एक्सप्लेन करनी है चीज उसके लिए आप एक्सप्लेनेटिव यूज करेंगे। तो इनकी मैं तफसीलात में नहीं घुसना चाहती, मैं जस्ट गोइंग टू गिव यू अ जनरल ओवरव्यू कि जी ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो तरह की होती हैं जो अप्लाई होती हैं हर सिचुएशन पे, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स की हैं, चाहे वो आईआर की हैं, या चाहे आप उनको ऐसे में यूज कर रहे हैं। तो ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स दैट यू हैव टू यूज, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एट दिस पॉइंट, और इसके बाद एक आधा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।